हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। शांतिदूत, वाह कृष्ण वाह, रणभूमि में शत्रुओं को अपने चरणों में नाक रगड़ने पर विवश करने वाला कृष्ण अब शांतिदूत बनकर जाएगा, और वो भी उन अंधे बहरे और गूंगे लोगों की सभा में जो ना सत्य सुन सकते हैं और ना सत्य बोल सकते हैं। और ऐसे अधर्मियों की सभा में तुम्हारा शांतिदूत बनकर जाना, शांति का संदेश सुनाना, ये सब किस लिए कृष्ण? पांडवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए द्रौपदी। परंतु पांडव कोई ब्राह्मण नहीं है जिनका अधिकार मांगने से दान में मिल जाएगा। वो तो क्षत्रिय है क्षत्रिय, और क्षत्रिय अपना अधिकार रणभूमि में युद्ध करके शत्रु के मुंह में हाथ डालकर छीनते हैं। केशव, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ द्रौपदी, कि क्षत्रिय राजाओं के साथ घटी हर घटना का इतिहास साक्षी होता है। जिस प्रकार आने वाले अनंत काल तक मनुष्य कौरवों को उनके छल कपट और अधर्म के नाम से जानेंगे, उसी प्रकार पांडवों के धर्म पालन और न्याय को याद रखा जाएगा कि पांडवों ने हथियार उठाने से पूर्व शांति का हर प्रयास करके देख लिया था। इसीलिए मैं शांति दूत बनकर पांडवों के शांति और न्याय के पक्ष को कौरव सभा में रखने जा रहा हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कौरव कुल के कर्ता धर्ता हैं, आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। महाराज, किसी भी निर्णय में जब तक आपकी इच्छा
आपकी सहमति नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कौरवों की इस भरी सभा में पांडवों का राज्य और उनका अधिकार लौटाने की मांग एक बार फिर कर रहा हूं और आपसे इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। महाराज, मैं देख रहा हूं और आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि कौरवों के सभा में हर आसन बेचैन है, शब्द सिमट कर चेहरों पर भाव बन गए हैं, मुखमंडल की रेखाएं चिंताओं का जाल बुन रही हैं और इस जाल में मुझे पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है जो चिंताओं के जाल के पीछे से आज कौरवों और उनके महाराज की ओर आशा से टकटकी बांधे देख रहा है। इतिहास को केवल आपके ही नहीं संपूर्ण कौरव के निर्णय की भी प्रतीक्षा है। इसलिए महाराज, कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय के हर शब्द को भविष्य के धर्म कांटे पर तौलिए और फिर बोलिए महाराज, फिर बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, यह समय मौन रहने का नहीं है। क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज को जो कहना था वो पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहां आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यदि महाराज का यही उत्तर है तो यह उत्तर महाराज के मुख से इस भरी सभा में मैं सुनना चाहता हूं। हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूं। मैं आपको समझा नहीं सकता कि एक पिता की विवशता क्या होती है, परंतु आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिताश्री हैं, आप उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपको आज भी अपने पिता समान मानते हैं। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उसके अनुजों ने आपको और कुरुकुल के सारे ज्येष्ठों को अपना आदरणीय प्रणाम भेजा है। मुझसे याचना की है कि उनके प्रति मैं आप सब ज्येष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करूं। महाराज, बताइए, बताइए, मैं उन्हें आशीर्वाद में क्या ले जा कर दूं? क्या कह दूं कि आपने उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा को ठोकर मार दी? हाँ हाँ, अवश्य कह दीजिए। हमें उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनके आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। जाइए द्वारकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पांचों पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है, मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए
तो जीत ले जाए युद्ध भूमि पर। वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा और केवल मेरा ही रहेगा। महाराज रोकिए, दुर्योधन के इस हट को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान कुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा, और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। द्वारकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दें, यह मैं कदापि सह नहीं सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों की गुणगाथा का गान बन करके चुपचाप बैठे रहिए। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो और सत्य सुनना सीखो। द्वारकाधीश के प्रति ऐसे अपशब्द शोभा नहीं देते, भगवान के प्रकोप से डरो। पितामह, डरते वो है जो घायल होते हैं, मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है। प्रकोप, ठीक कहा दुर्योधन तुमने, तुम एक प्रकोप हो, और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज, दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य न लौटा सके तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित न कीजिएगा, उनकी विवशता का प्रदर्शन न कीजिएगा, उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले पांच भाइयों के लिए केवल पांच गांव ही मांग लीजिएगा, वो पांच गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। मैं उन भिखारियों को पांच गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। हे मधुसूदन, मेरे मन में प्रिय पांडवों के प्रति कोई पाप भावना नहीं है, मैं आज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोकर
अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूध की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान, किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। सात्विकी, बैठो। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। आओ। मुझे युद्ध की चिंता नहीं, युद्ध तो अब मेरी अभिलाषा बन गया है। अपने सीने में दबी इस चिंगारी को मैं 13 वर्षों से इतने हौले हौले फूक रही हूं कि न तो ये बुझ सके और न ही भड़क सके। मगर आज आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया है कि सारे कौरव दृष्टिहीन हैं, सभी अंधे हैं। यदि मेरी पुत्र वधु ने उन सबको अंधा कहकर अपमानित करने की चेष्टा की थी तो ठीक ही किया था। नहीं बुआ, यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य भी है तो उचित नहीं है। उचित नहीं है? मधुसूदन, मेरी पुत्र वधु ने वस्त्र हरण के समय जो पीड़ा भोगी थी और मेरे पुत्रों ने वनवास में जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा और इन सब के साथ इन 13 वर्षों में मैंने जो पीड़ा भोगी है, वो पीड़ा इस पीड़ा के आगे तो कुछ भी नहीं है जो आज तुमने भोगी है। फिर भी तुम ये कहते हो मधुसूदन कि मेरा कौरवों को कोसना उचित नहीं है? बुआ, तुम मेरी किस पीड़ा की बात कर रही हो? मधुसूदन, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। क्या तुम्हारी छुपानी से मेरे पीड़ित मन से ये बात छुप सकती है
कि आज तुमने शांति के प्रयास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो हट धर्मी और नासमझ लोग नहीं माने और तुम्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, यहां तक कि तुम्हें अपना दिव्य और भव्य रूप दिखाने पर विवश कर दिया। बताओ, क्या उस समय तुम्हारा मन पीड़ित नहीं हुआ था? भगवान को यह साबित करना पड़ा कि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। उस समय तुमने जो पीड़ा भोगी, उसके सामने हम सबके सामूहिक पीड़ाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब तो केवल मनुष्य मात्र हैं। बुआ, मेरी पीड़ा को छोड़ो और ये बताओ कि यहां से लौटकर तुम्हारी ओर से पांडवों को क्या संदेश दूं? कहो कि क्षत्रानियां यदि जीती हैं, तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए, तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कनौज शस्त्रों से सुसज्जित अपनी 200,000 सेना के साथ कौरवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। तोमर नरेश महाराज कंबोज अपने विशाल सैनिकों के दल बल के साथ पांडवों की सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। कौरवों के पक्ष में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं मामाश्री। हमने छल से काम लेकर बहुत से राजाओं को अपने साथ कर लिया है जो पांडवों को साथ देने वाले थे मामाश्री, यहां तक कि पांडवों के सगे मामा अर्थात महाराज शल को भी हमारे साथ कर लिया है। अब हम पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारी विशाल सेना है, अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। अब हमारी विजय निश्चित है। नहीं भांजे, नहीं, अभी हमारी विजय निश्चित नहीं है। क्यों महाश्री, क्यों? अब भी आप हमारी विजय पर संदेह क्यों रखते हैं? एक ही संधि है भांजी, वो ये कि हमने भारतवर्ष के अधिक से अधिक राजाओं को तो अपने पक्ष में कर लिया है, परंतु अब भी एक शक्तिशाली राजा शेष है जिसकी सेना पल भर में युद्ध का पांसा पलट सकती है और हम जीती हुई बाजी हार सकते हैं। आप किस राजा की बात कर रहे हैं मामाश्री? मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो उस अर्जुन का प्रिय मित्र भी है। भांजी, इससे पहले कि अर्जुन वहां पहुंचे, तुम्हें द्वारकाधीश से सहायता अवश्य मांग लेनी चाहिए। हां, परंतु मामाश्री, वो किसी भी परिस्थिति में पांडवों का ही साथ देंगे। ना, यदि उन्हें धर्म संकट में डाल दो तो वो तुम्हारी भी सहायता करेंगे। मामाश्री, मैंने उनका अपमान करके उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया था,
तो फिर मैं किस मुंह से उनसे सहायता मांगूंगा? अरे भांजे, उसके लिए तो तुम उनसे क्षमा भी मांग चुके हो। सुनो, यदि उनसे अपनी रिश्तेदारी का अधिकार जताकर तुम सहायता मांगोगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। उनका कोमल हृदय अवश्य पिघलेगा भांजी, अवश्य। हाँ, देख लिया प्रभु, मामा शकुनी ने कैसी कुटिल चाल चली है। इस बार तो वो आपको भी धर्म संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, जुआ खेलने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति छल कपट से इतनी दूषित हो जाती है कि वो अपने जीवन के हर पल हर क्षण छल और कपट के सहारे कुटिल चाल ही चलता रहता है। परंतु इस चाल का उत्तर अब आप क्या देंगे? एक तरफ तो मामा शकुनी ने दुर्योधन को महासंग्राम के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए पट्टी पढ़ाकर भेजा है, तो दूसरी ओर अर्जुन आपका सखा और भक्त होने के नाते आपसे मदद मांगने आ रहा है। दोनों का आप पर अधिकार है। हाँ देवी, देखने में तो यह समस्या बड़ी गंभीर दिखाई देती है कि मैं किसे हाँ कहूं और किसे ना, परंतु ना ही मैं अपने सखा और भक्त अर्जुन को निराश कर सकता हूं और ना ही दुर्योधन को उसके अधिकार से वंचित रख सकता हूं। शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचा और कृष्ण के कक्ष में आया। द्वारिकाधीश सो रहे थे। उन्हें सोता देख दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही अर्जुन भी कृष्ण के कक्ष में पहुंचा और द्वारिकाधीश को प्रणाम कर उनके पैरों के समीप बैठ गया। अरे अर्जुन, तुम? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले मैं आया हूं कृष्ण। अरे दुर्योधन, तुम भी यहां? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। कहो अर्जुन, क्या बात है, कैसे आना हुआ? हे केशव, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मित्र, मेरे योग्य क्या सेवा है? सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राता श्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडव के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। आखिर मेरा भी आप पर कोई अधिकार है। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो, इसलिए सुनो। एक ओर होगी मेरी चतुरंगिणी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है और दूसरी ओर मैं कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों इसमें से किसी एक को अपने अपने पक्ष में चुन लो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। हे केशव,
मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे सारथी बनो। और दुर्योधन तुम? मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। तथास्तु। अच्छा हुआ भांजी, जो हमें यादवों की चतुरंगिनी सेना मिल गई। हाँ। होने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो पांडवों के साथ मिलकर मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना की हमें तो कोई कमी नहीं रही। परंतु ऐसी अक्षोहिणी सेना के लिए हमें एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। कौरवों की सेना के सेनापति तो पिता मां ही होंगे मित्र कर्ण। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा। मेरे होते हस्तिनापुर की ओर कोई शत्रु आंख उठाकर भी देखे, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। परंतु वत्स, इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूलकर तुमने और पांडवों ने अपने बचपन से जवानी तक की यात्रा तय की है। मेरी बूढ़ी आंखों ने कुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। मुझे तुमसे जितना चाव है, पांडवों से भी उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। ओ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। पितामह के पांडवों का वध न करने की शर्त ने तो मेरे विश्वास के दुर्ग को रेत की दीवार की भांति ढहा दिया था। भांजी, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं तो फिर कौन है, कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है तो मैं भी कहां कंगाल हूं।
मेरे पास भी तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? देती है अंगराज करण, सारी योग्यताएं दिखाई देती हैं, परंतु एक अयोग्यता ऐसी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो तुम्हारी सारी योग्यताओं को खा जाती है। हां, अयोग्यता? मामा श्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुमने सुना तो सदैव, परंतु माना आज तक नहीं कि तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र? मैं सूत पुत्र नहीं हूं मामा श्री। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। शकुनी बाबा, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण, शांत हो जाओ। कर्ण, शांत हो जाओ। मित्र, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ मित्र, शांत। सूत पुत्र कहलाने पर इतना उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने पिता के नाम का सदा आदर करो। पिता कैसा भी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सुंदर हो या कुरूप, पुण्य आत्मा हो या उसके हाथों कोई पाप भी हुआ हो, तब भी अपने जनक, अपने पैदा करने वाले पिता के नाम का सदा आदर करो। परंतु दुर्योधन, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। सूत पुत्र नहीं हो, परंतु तुमने तो स्वयं कहा था कि तुम्हें सूत पुत्र जानते हुए भी हमने अपने गले से लगा लिया था। मेरे कहने का अर्थ यह था कि उस समय तक मैं भी अपने आप को सूत पुत्र ही समझता था। हाँ, तो अब तुम ऐसा नहीं समझते? नहीं। हाँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि वो सत्य नहीं था। लेकिन तुम्हें इस सत्य का पता कब चला अंग नरेश? जिस दिन सभी राजकुमारों ने रंगशाला में अपनी अपनी अस्त्र कला के कौशल दिखाए थे, उसी दिन चारों ओर अर्जुन की वाह वाह हो रही थी। राजकुमार अर्जुन की। अर्जुन प्रसन्न था। राजकुमार अर्जुन की। 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 किंतु तुम्हारा मुख मलिन हो रहा था। तब मैंने रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा था, अर्जुन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा, यहीं इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे, और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात ही निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण? कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन, एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे।
मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। तनिक ठहरो वत्स, अभी तो यह निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। हे धनुधारी युवक, तुमने जो अपना परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राजसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। यह विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। सो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह एक वीर पुरुष का अपमान है, उसके साथ अन्याय है। फिर भी यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए इसका राजा होना आवश्यक है तो मैं अपने अंग देश का राज्य इसे प्रदान करता हूं। और अभी इसी समय इसी सभा में इसका राज्य अभिषेक करता हूं। वो क्षण मैं अभी तक नहीं भूला मित्र, जब जब तुमने भरी सभा में सोने का सिंहासन बनाकर मुझे उस पर बिठा दिया था। लेने आया हूं, मैं पूछता हूं ये तुम्हारे मस्तक में क्या पागलपन समाया है। चल मेरे साथ उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांग। चल, चल। आदिरथ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं कर्ण हमारा मित्र है, अभी अभी हमने उसे अंगदेश का राजा बनाया है। नहीं राजकुमार, नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए राजकुमार, नहीं, मेरे बालक पर दया कीजिए। दुर्योधन, लोग तो गीदड़ या भेड़िए पर शेर की खाल डालते हैं,
और तुम तो कुत्ते पर शेर की खाल उड़ाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे असुत पुत्र, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए प्रसाद को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। विखोदर भीम। क्षत्रिय होकर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी हल्की बात मत करो। अरे क्षत्रियों का तो धर्म होता है कि जो बलवान है, जो शूरवीर है, उनका आदर करें। क्षत्रियों में शूरवीरों की जनजाति कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि प्रायः उसमें कहीं कोई रहस्य अवश्य छुपा होता है। भीम, सरकंडों से कृपाचार्य जैसे ऋषि मुनि पैदा नहीं होते, न द्रोण जैसे धनुर्धर किसी घड़े से पैदा होते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जैसे हिरनी के गर्भ से एक शेर कभी पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार ऐसा महातेजस्वी और वीर बालक किसी सूत स्त्री के गर्भ से कभी नहीं पैदा हो सकता। वाह, जिसे बोलना चाहिए उसकी तो जिह्वा बंद है, और तुम तो उसके जन्म को बड़ा रहस्यपूर्ण बनाने की चेष्टा कर रहे हो। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का एक सारथी का। मेरे पिता का नाम है अधिरथ और माता का नाम राधा, इसीलिए मेरे मित्र मुझे राधेय कहकर भी बुलाते हैं, और मुझे इन दोनों का पुत्र होने पर गर्व है, गर्व। ऐसे माता पिता किसी भाग्यशाली को ही संसार में मिलते हैं। मामा, मामा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि आज इस युद्ध में अपने शत्रु का सिर काटकर आपके चरणों में रखूं, ताकि फिर किसी जीवा से आपके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द न निकल सके। अर्जुन, उठा धनुष, तुम्हें सारथी सूत पुत्र और अंग देश का राजा कर्ण युद्ध के लिए ललकारता है। अपने पिता से अंतिम विदा ले ले कर्ण, मैं तैयार हूं।